शहीद उस्मान खान काकड़ को इस कोयटा शहर में अपने घर में शहीद किया गया। इन्होंने ताजियत तक नहीं की। जवाब जाना चाहिए तो जज्बे में अगर ताबुन नहीं करते तो शायद बाबा मरी को एलिमिनेट कर दिया जाता और ये मुजाहिमत आगे नहीं बढ़ती। और खुश हो रहा होगा कि मैंने बलोचों को जो पैगाम दिया वो पैगाम बलोच समझ गए। इस तहरीक का अगर कोई आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट है, वो बाबा खैरबख्श मरी है। आज से सदियों पहले एक सम्मी अपनी इज्जत की खातिर तोता के पास गई थी और तोता ने अपनी जान सम्मी की इज्जत की हिफाजत करने पर कुर्बान कर दी। मेरे रक्त के बलोच तोता है, आज ये सम्मी आपकी तरफ ये ललकार कर कह रही है, क्या हो सामने मेरी इज्जत और जान की हिफाजत करो, अपना तारीखी बलोची गैरत का मुजाहरा करो
ही इज्तम में शरीक जितने भी लोग हैं उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ, जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है, और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलोचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब सरबंदी करनी चाहिए, बलोच और नई सरबंदी की जरूरत है। ये सरबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसे गा से और उस नाम ने आप कौम परस्त को, जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ। अब बलोच आवाम खड़ी हुई है इस्लामाबाद में। उस चटकती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन नींद दीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शोहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माए जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच के मुस्तकबिल के लिए अपना अपनी जवानी टार्चर से, जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनकी जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इंकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम है उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस, जिनको आप देखते हो ना वो बलोच की कब्रें है, बलोच नस्ल की कब्रें है, बलोच काम की कब्रें है, बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी, 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है, वो दिन जब हम आपको आपके हर जुर्म को बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपने कितने नौजवानों को मारा है, आपने कितनी औरतों को बेवा किया है। अपनी धरती के धरती पर खड़े हुए हर जुर्म का हिसाब लेंगे, ये बलोच कौम का वादा है। मुझे आज इस जलसे में इंकलाब की बू आ रही है, वो इंकलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इंकलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है, उनकी आंखों के आंसू खुश हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है, इसमें खयानत नहीं करना है। अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम यहाँ दानिश्वर बैठ कर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको याद रखना कि
गलतियों पर। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए उस दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुजदिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है मगर उनको ये हकीकत नहीं बोलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है और ये धरती नवाब खैरबख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानू करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं है, ये मारने से रुकने वाले नहीं है। आओ वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो, देखो इन्हें, आओ देखो, आगे खोल कर इस अवामी ताकत को देखो जो तुम्हारी डॉलर ज्यादा डॉलरों से भर भर कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है, यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। इनमें कुल दरख्वास्त केवल कि कितना कबाइले जंग थे खत्म करो, दारे आसत शुरू दे यानी ख्वाहिशों ने कि बलोच असे टहलो तो जंग के असे टहलो ए खलेर बेटे दाकना ख्वास दे तुम्हें यानी नुमा ईड़ो ऐसा ईड़ तुम्हें हम ख्वास केवा कि कबाइले जंग थे तिना खत्म करो असे तुमको अमोर आसत नमोना अमोर आसत की असे बलोच बरनास कैसे किताब ऐसे तो इल्ले पक और किताब नौजवानों दिखाई बाबन सलासल के बंद की एकता बंदी की एकता अमो रियासत है नो अंत के हमें कबाइली वीरों मौत पर ते हथियार ते सुने अमो इत हथियार ते सुने कि उन्हें बने खले वो ऐरान थे। देखे दूसरी पंजाब का जर्द देखे वो मुझे पढ़ा लिखा पंजाब औरतों को आजादी देने की उनकी बड़ी बड़ी तहरीके हमें देखकर ऐरान थे। बलोच औरत होकर मार्च पे निकली, बलोच औरत होकर मर्द भी तुम्हारे पीछे निकले। मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि बलोच औरत बलोचिस्तान में पैदा हुई है, ये मेरा शर्त है, ये मेरा एजाज है कि मैं बलोचिस्तान में पैदा हुई हूँ जहाँ मेरा मकाम मेरे कौम परस्तों ने मुझे इस समाज में सबसे बड़ा मकाम दिया है। ये तहरीक ये आखिरी जंग ना सही लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के हमरा निकलना पड़ेगा, इसमें बलोचिस्तान के हर फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 80 साल का माश है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द है, निकलो अपने घरों से। और मैं आपसे कहती हूँ अपनी औरतों को बुनियादी तमाम हकूक दे दो, उनको पढ़ाई से ना रोके, उनको किसी भी चीज से ना रोके और साबित करें इस रियासत को कि हम आजाद और तहजीब याफ्ता कौमों की तरह इस जमीन में वजूद रखते हैं। हमारे यहाँ औरत और मर्द दोनों बराबर है, दोनों ही कौम के हिस्से हैं। और जस्ट बीन फेसिंग सिस्टमिक जेनोसाइड फ्रॉम डेकेड्स वेयर थाउजेंड्स ऑफ बलोच आर इन फोर्सली डिसअपीयर and while thousands have been killed by the state of Pakistan and you keep your silence, you have kept your silence against this genocidal policies. Look at those peoples, these all are the victims of Pakistani state atrocities. They all want you to act on upon your human rights. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they have deprived us on our fundamental rights, right to live, right to freedom of expression. We want you to listen us. Pakistanas, o Balochisti, shuma ami or padkay, arza naid padar magmanzana, balidigaran.
نیستی دیگر آئیچ نیستی میں کرا بس یک کی رائے آدام عشق موتی مزامتا مضبوط بکنی ماں بشکاو منی امانے مرچی بچار میں دادا چک کا بازے مرچی اترس سے تگا وٹی گین دینی کو گنشتا اترس سے تگا ایرانا چھوڑ بکنا رستری فوجی آرتگی میں سرا رستری فوجی اما فوج کیا یہ گشک بھی بھو گھنو چھے زالے گشانا چھے ای ریاست آن روز کئی لوگے پا مالیو کنے میں نوے تئی سرا ڈیپینڈ کا آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے ناشی گرائیں گے گرائیں اور کتنے گرائیں گے ناشی گرنے سے ہم کیا کمزور پڑ جائیں گے آج ہاں کس کس کو ماریں گے آپ جتنے ماریں گے ہم اتنے نکلیں گے اور ہماری ہر نسل آپ کے خلاف صرف مذمت کا ہی راستہ اپنائیں گے بلوچستان زندہ باد بلوچ زندہ باد ظلم و چندی پاس آدمی تو بم درے گوستے نت وقتس بارک نا بشفن دو پائی شارل نا معصومی پائی کافر نا سوگلی پائی لکہ دیخ شکست دنائی خفت و جاہل جاتو ہر کس